जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुखचैन बाल्यान फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टोरी स्ट्रीट में। आज हमारा गीता अध्ययन का 39वां दिन है, अध्याय 2। शुरुआत करते हैं आज के अपने अध्ययन की। संजय उवाच, तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। इस श्लोक के द्वारा हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी के नाथ हैं, उनका मधुसूदन नाम क्यों पड़ा। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और तब से उनका नाम मधुसूदन रखा गया। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।